नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। आज से करीबन एक महीने पहले हमने आपको एक स्थान पर हम आपको ले गए थे, जहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से झारखंड में अलग अलग अभ्यर्थी जो है धरना दे रहे थे और सरकार से लगातार अपनी मांग को लेकर एक महीने से ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया उन्होंने। इसके बावजूद उन्हें मिला तो केवल सरकार के द्वारा आश्वासन। यही वजह है कि आज फिर दोबारा ये जो अभ्यर्थी आप देख सकते हैं अलग अलग संगठन के हैं, फिर चाहे वो जैप के अभ्यर्थी हो, पंचायत सचिव जेटेट, ऐसे कई तरह के अभ्यर्थी यहाँ पर आज मौजूद है। इनकी केवल सरकार से यही मांग है कि इनकी जो जो रोज़गार है ये उन्हें मिल जाए, जिसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था उसके लिए इन्हें सरकार के द्वारा नौकरी दी जाए, जो कि अभी तक नहीं दी गई है। हालाँकि हेमंत सरकार जो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री की सरकार, वो वादा किया था उन्होंने कि हर साल 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोज़गार के नाम पर यही चलता आया है। अभी करीबन 2 साल होने वाले हैं सरकार को, लेकिन एक भी लोग जो पहले से जिन्होंने अपने एग्ज़ाम क्लियर किए हुए थे उन अभ्यर्थियों को रोज़गार नहीं दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे की स्थिति क्या होगी और आगे कैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो चलिए, यहाँ मौजूद जो ये अभ्यर्थी आज आए हैं इनसे ही हम जानते हैं कि आखिर आज ये किस मांगों को ये लोग लेकर आए हैं और 8 तारीख को ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं हर एक संगठन के प्रतिनिधि आज यहाँ पर आए हैं। केवल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सारे लोग, सारे अभ्यर्थी नहीं है, सभी संगठन के केवल एक दो जो मेन प्रतिनिधि है वो लोग आज यहाँ है कि सरकार को अपना ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि 8 तारीख को ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ मौजूद इनसे ही जानते हैं कि ये लोग 8 तारीख को क्या करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन से संगठन से हैं। हम राज्य के बेरोजगार भुक्त भोगी अभ्यर्थी हैं। मैं अगर अपना परिचय दूंगा तो मैं एक बेरोजगार अभ्यर्थी हूँ। मैंने राज्य में 4-5 एग्जाम लिखे हैं, पंचायत सचिव का, स्पेशल ब्रांच का, एक्साइज कॉन्स्टेबल का और साथ ही साथ JPC का एग्ज़ाम लिखा है, और हर एग्ज़ाम में किसी का रिजल्ट नहीं दिया गया है। और जिस चीज़ का हम लोगों ने यहाँ पे विरोध किया है उसी चीज़ को सरकार यहाँ पे नीति बना के लागू कर देती है। और हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जो स्थानीय नीति लागू किया जाए उसे स्थानीय किसी खतियान पे आधारित करके लागू किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ राज्य के युवाओं का उसमें लाभ हो सके। और हमारी मांग यही है, 8 तारीख को जो हम लोग 8 अगस्त को रणनीति अपनाए हुए हैं, ये एक राज्य स्तरीय बहुआयामी स्तर पर इसका आंदोलन का आगाज़ किया गया है। और आज जो आप लोगों ने देखा होगा कुछ देर पहले, तो वो केवल एक ऑफिशियल ट्रेलर था और इसका पूरा पिक्चर हम लोग 8 अगस्त को रिलीज करेंगे। और 8 अगस्त को होगा और ये पूरे राज्य में बहुत ही व्यापक तरीके से होगा, जिला स्तरीय होगा, इसे विकेंद्रीकृत करेंगे। और फिर 10 तारीख को जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री का बर्थडे है, जन्मदिन है, उस दिन हम पूरे राज्य में राज्य के जितने भी युवा बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उस दिन काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा वो तिथि आने से पहले ही अगर आप अपना लिए हुए स्टेटमेंट को वापस ले सकते हैं, अगर आप अपना कदम को पीछे हटाएंगे। चलिए, और अभ्यर्थियों से जानते हैं कि आज जो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और 8 तारीख को इनका कहना है कि ये उग्र आंदोलन करेंगे, ये जितने भी लोग अलग अलग अभ्यर्थी है यहाँ पर आए हुए हैं, तो जानते हैं कि ये 8 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं। सर, आप हमें बताएं कि 8 तारीख को ऐसा क्या होगा जो आज आप लोग पहले ही यहाँ पर चेतावनी देने आए हैं सरकार को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है सो बोले थे माननीय हेमंत सोरेन जी कि हमारी सरकार बनेगी तो 6ठी JPSC रद्द करेंगे। जितना लोग है पुरानी पेंशन व्यवस्था को हम लोग लागू करेंगे। उसके बाद बोले थे जितना JTET पास है सबको नौकरी देंगे, जितना पंचायत सचिव है उसको नौकरी देंगे, पारा शिक्षक को नौकरी देंगे, मनरेगा को नौकरी देंगे, उसके बाद में आंगनबाड़ी को नौकरी, यानी सबको सरकारी करेंगे, यानी सबको नौकरी मिलेगा। अब ये हमारा का नौकरी देंगे, सरकार के अपने नौकरी खतरा में पड़ा है। ये अब जो है हमारा कर देंगे नौकरी, ये अपनी नौकरी खतरा पड़ा है। अगर यदि और दूसरी बात ये बोले, मैंने आश्वासन पर आश्वासन, झूठ पर झूठ, ये क्या बोले
कि अभी इस साल में शुरू में बोले कि 2021 जो है सो नियुक्ति वर्ष होगा, और नियुक्ति वर्ष में आप देखिए कि अभी तक एगो विज्ञापन नहीं निकला है। नियुक्ति कहाँ जाएगा? एक दिन से अगर यदि हम छटते हैं तो हमारी नौकरी समाप्त हो जाती है। ये लड़का लोग कितना दिन पढ़ेगा? तब से जो है आश्वासन पर आश्वासन, आप लड़का लोग एकदम पूरी तरह से गुस्से में है। पूरे झारखंड के नौजवान बोले थे देंगे, ये क्या कहते हैं, पेंशन देंगे। आज तो तुम बूढ़ा लोग को पेंशन सुने थे, जवानों को पेंशन देना शुरू कर दिए थे, तो पेंशन क्या देंगे? हम लोगों को टेंशन दे दिए हैं, हमारा नौकरी निकालो, हमको नहीं चाहिए टेबल आप तुम्हारा पेंशन। 3,000 या 1,000 को रुपया देगा 12 महीना में, कितना महीना में कितना होगा, साल भर के ऐसे देगा 3,000 रुपया यदि देगा तो कितना रुपया होगा महीना, उतना से मेरा जिंदगी चल जाएगा? मुझे पेंशन नहीं चाहिए, हमको जो है सो नौकरी चाहिए। और 8 अगस्त से पूरे झारखंड में लड़का लोग तैयार हो गया है कि अब एकरा से नहीं होगा, यदि यार पार के लड़ाई के मूड में आ गया है लड़का लोग। सब नौजवान को नौकरी चाहिए। माँ बाप बोलता है निकम्मा हो गया है तुम, अरे सरकार निकम्मा है तो हम लोग क्या करें? किस चीज़ के अभ्यर्थी आप? हम लोग सब JPSC के अभ्यर्थी हैं, यहाँ पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, यहाँ देखिए जब ये लोग क्या कहते हैं JTET का अभ्यर्थी हैं, कुछ मनरेगा का अभ्यर्थी, पुलिस वुलिस क्या करेगा, बेरोजगारी है जी, ये को बताएंगे? सब पूरे झारखंड में बोले ना कि बोला सबको नौकरी देंगे, खाली वो हेमंत सरन जी नौकरी नहीं रखेंगे, बाकी हम लोग कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे, यही आश्वासन दिए थे जब सरकार बनाना था। बन गए आप आराम से सूत गए, हम लोग भी अभी सूत गए, आप क्या करेंगे? 8 अगस्त से आदमी हल्ला करेगा। और पूरे तरह से देखिएगा, और ये जो है इसका कोई नेता नहीं होगा, और उठा के फेंक दीजिएगा। अभी तो वह मजदूरी और ठेके मैंने क्या कहते हैं सरकार गिराने में संलिप्त हुआ है, यदि पढ़ल लिखल का दिमाग लग जाएगा ना तो सच्चम सरकार गिर जाएगा। देखा आपने, इन्होंने बड़ी बात कही है कि ये सरकार गिराने पर आए तो सरकार गिरा सकते हैं, और इन्होंने इसीलिए 8 तारीख का दिन चुना है क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है, जिसे ये काला दिवस मनाना चाहते हैं।